हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और अपना खूब अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। तो ये मॉर्निंग की रूटीन है और आप देख सकते हो कढ़ाई मैंने चढ़ा दी है। अभी सुबह में मैंने रोटी और सब्ज़ी वगैरह सब बना दी थी, तो अभी लंच की तैयारी कर रही हूँ। तो आज मैं बनाऊँगी पालक का साग और उसमें जो है और भी सारे वेजिटेबल ऐड करके। तो सबसे पहले तो मैंने बैंगन को ऐसे बड़े बड़े साइज़ में कट कर लिए हैं, क्योंकि बैंगन तो लास्ट में बहुत ही जल्दी गल जाती है ये सब्ज़ी। तो इसको शुरू में ही मैं नमक और हल्दी के साथ थोड़ा सा फ्राई करके इसको सेपरेट रख लूँगी। और पालक के पत्ते आज ही आए हुए थे, तो पूरा एक डंठल हमारा यूज़ नहीं होता है। तो मुझे क्या करना होता है कि ना, हाफ़ मैं रख देती हूँ पालक के पत्ते और नेक्स्ट डे फिर उसको बना लेती हूँ। तो इतनी सब्ज़ी कोई नहीं खाता मेरे घर में, तो बेटा तो मेरा छूता भी नहीं है, सब्ज़ी पूछता तक नहीं है, वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। तो पता नहीं कब वो ये सब्ज़ी लाइक करेगा। आई होप कि बहुत जल्दी उसको भी पसंद आ जाए और ये सारी सब्ज़ियाँ। और इस तरह से बैंगन को ना सबसे पहले तो ब्राउन करके भूनना ज़रूरी होता है, नहीं तो फिर बिल्कुल भी सब्ज़ी का टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। और सीम वगैरह तो ख़त्म हो गई थी मेरे पास, थोड़ी सी मूली बची हुई थी, तो थोड़ा सा मैं मूली इसमें डालूंगी। और टमाटर भी मैंने कट करके रख दिए हैं साइड में। और मतलब बैंगन भी इतने बड़े साइज़ के थे ना, कि मतलब हाफ़ का भी पूरा हाफ मतलब 1/4 ही मैंने यूज़ किया है और बाकी तो मेरा बच गया था, तो उसको नेक्स्ट डे काम में लगाऊंगी। और फ्रेंड्स, आप लोग ये व्लॉग मेरा कहाँ से देख रहे हो, ज़रूर से लोकेशन मेंशन कीजिएगा। और मेरा ये व्लॉग कैसा लग रहा है आपको, वो भी ज़रूर से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा, तो मुझे पर्सनली बहुत ही अच्छा लगेगा। और मैं वेट करती रहती हूँ हर एक कमेंट का कि कब आएगा, और मैं रिप्लाई करूँगी आपके हर एक कमेंट का। और अगर आपको और भी कुछ जानना चाहते हो मेरे बारे में, तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में डाल के पूछ सकते हो। और जो भी मेरे न्यू सब्सक्राइबर हैं, उनको मैं बता दूं कि मैं हूँ रूपा और मैं हूँ कोलकाता से, और मेरा 5 साल का बेटा है, और मैं एक 2 BHK फ्लैट में यहाँ पे रहती हूँ। ये रेंट पे नहीं है, ये हमारा खुद का है। और ये देखिए, बात करते ही करते बैंगन मेरे फ्राई हो चुके हैं, और इसको और ज़्यादा पकाना है नहीं, बस लास्ट में इसको जब सब्ज़ी बन जाएगी ना, बस इसको ऐड कर देना है। और जो मेरे चैनल में नए आए हुए हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि जल्द से जल्द मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरे आने वाले लेटेस्ट वीडियो की कंटेंट आप तक जल्द से जल्द पहुँच जाए। और अंत तक इस ब्लॉग को आप देखते जाइएगा। आज हम लोग गए थे थोड़ा शॉपिंग मॉल, हमारी लोकेलिटी में नई शॉपिंग मॉल खुली है, तो कुछ शॉपिंग वगैरह की थी मैंने, वो सब कुछ मैंने इस वीडियो में शेयर की है, तो लास्ट तक देखते जाइए। तो सबसे पहले तो इस रेसिपी के लिए तेल मैंने ऐड किया, मस्टर्ड ऑयल, और उसके बाद फिर थोड़ा सा जीरा डाला है। जीरा जैसे ही चटक गया, उसमें मैंने एक छोटा मीडियम साइज़ का आलू डाल दिया है। आलू को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। और ये देखिए, हाई फ्लेम ही रखी है मैंने, लो फ्लेम पे नहीं रखा है, क्योंकि इसको अभी पूरा पकाना है नहीं, इसको थोड़ा सा लाल करना है, गोल्डन ब्राउन करना है। और पालक के पत्ते भी ना अच्छे से धो के मैंने वॉश करके उसको कट करके रखा है सेपरेट। तो कुछ मूली के टुकड़े मैंने डाल दिए हैं, थोड़ी सी मूली थी तो वो मैंने अभी कट करके डाल दिए हैं। मूली के जो पत्ते होते हैं ना, तो वो मेरे ख़राब हो गए थे, मतलब ज़्यादा दिन तो वो पत्ते वगैरह रहते नहीं हैं, तो ख़राब होने की वजह से मैं नहीं आपको दिखा पा रही हूँ, मतलब इसमें नहीं डाल पाई। तो अगर आपके पास मूली के पत्ते अवेलेबल हो ना, तो आप ज़रूर से डाल दीजिएगा। तो ये जो आप हरे हरे देख रहे हो ना, ये मूली के पत्ते कुछ मतलब फ्रेश मेरे पास थे नहीं, उसी में से मतलब जो भी छांट छांट के मैंने इतना सा ही मुझे मिला, तो मैंने सब्ज़ी में वो ऐड कर दिया है। तो इस तरह से ना मुझे मतलब हर कलर की सब्ज़ी देखने में अच्छी लगती है, बनाने में भी और खाने में भी अच्छी लगती है। किन किन लोगों को अच्छी लगती है वो ज़रूर से कमेंट करके बताइएगा। और कि आप किस तरह से ये रेसिपी बनाते हो, मतलब
मूली के जो साग होते हैं, मतलब पत्ते होते हैं, उसको आप किस तरह से बनाते हैं वो भी आप मेरे साथ शेयर कीजिएगा। तो सारी वेजिटेबल वगैरह अच्छे से जो है ना मैंने फ्राई कर ली है। तो अभी मैंने इसमें डाल दिया है पालक का साग, जो कि अच्छे से मैंने धो के रखा था, और इसको अच्छे से धोना ज़रूरी होता है, बहुत सारी मिट्टी होती है इसमें। तो इसको मैंने अच्छे से धो के रखा था, तो इसको मैंने अभी डाल दिया है। तो अब इसको चला देंगे एक बार अच्छे से, और अगर आपके पास सीम हो ना तो वो सब्ज़ी भी आप इसमें डाल दीजिएगा, जब आप दूसरी वेजिटेबल फ्राई कर रहे हो ना उसी के साथ सीम को भी अच्छे से फ्राई करके आप इसमें पालक का साग ऐड कर दीजिएगा। तो जितनी ज़्यादा वेजिटेबल आप ऐड करोगे उतना अच्छा लगेगा खाने में। चाहो तो आप इसमें बड़ी डाल के भी बना सकते हो, मैंने बड़ी आज नहीं डाली है, मुझे कुछ ज़्यादा बनानी नहीं है, बिल्कुल थोड़ी सी सब्ज़ी बनानी है। और आँच को मैंने हाई पे रखा है, देख सकते हो, क्योंकि मैंने अभी पत्ते डाले ही हैं तो उसमें से ढेर सारा निकलेगा पानी। तो इस रेसिपी में पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं होता है, वो ऐसे ही कुक हो जाती है इसके पत्तों से जो पानी निकलेगा। बस हल्दी और नमक अंदाजे से डाल दूँगी, और कोई मसाला तो इसमें पड़ता नहीं, ये सिंपल सी सब्ज़ी ही अच्छी लगती है खाने में। सुबह नाश्ते में या लंच या डिनर कभी भी आप बना लीजिए, बहुत ही अच्छी लगती है और ये हेल्दी भी है। और विंटर सीज़न में हमें हरे पत्तेदार सब्ज़ियाँ खानी भी चाहिए, जो कि हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छी होती है। तो आप देख सकते हो कढ़ाई में कितना सारा पानी आ गया है, तो कुछ कोई पानी मैंने नहीं डाला है, डालने की ज़रूरत भी नहीं होगी। और इसी में ये बहुत ही फटाफट से बनने वाली रेसिपी, और मुझे इस तरह के मुझे रेसिपीज़ वगैरह बहुत ही पसंद आते हैं। और फ्रेंड्स एक चीज़ मैं भूल गई थी, जब मैंने जीरा डाला था ना तो लहसुन को बारीक करके, मतलब एक दो कलियां लहसुन की बारीक कट करके भी आप डाल दीजिएगा, तो उससे भी अच्छा जो है ना फ्लेवर आ जाएगा। और कोई मसाला इसमें ज़रूरत है नहीं, बस जीरा लहसुन और एक सूखी लाल मिर्च आप देख सकते हो, नहीं भी देख सकते हो ऑप्शनल है, और हरी मिर्च भी आप दे सकते हो। तो आप टमाटर मैं इसमें डाल रही हूँ। अब टमाटर गलने तक का वेट करेंगे, और ऑलमोस्ट सारी सब्जियाँ मेरी कुक हो चुकी हैं, और टमाटर बस गल जाएगा और फिर मेरी सब्ज़ी बन के हो जाएगी तैयार। और आंच को देख सकते हो अब मैंने हाई पे रखा है भी। तो शॉपिंग मॉल गए थे हम लोग, लेकिन मैं अपने खुद के लिए जीन्स वगैरह ढूंढ रही थी, लेकिन मुझे पसंद नहीं आया, ना ही अच्छा लगा मुझे, तो मैंने छोड़ दिया, अपने लिए कुछ लिया नहीं। बेटे के लिए ही आज सारी शॉपिंग वगैरह हुई है, और एक वाटर बॉटल नहीं था, और एक स्प्रे बॉटल मैंने बहुत ही क्यूट सा मुझे लगा तो वो भी मैंने ले लिया। तो क्लिप में मैंने ऐड कर दिया है, लास्ट तक इस ब्लॉग को आप देखते जाइए। तो ये सब्ज़ी आप देख सकते हो बनके हो गई तैयार, लग रही है ना बड़ी टेम्पटिंग टाइप की, और खाने में भी बहुत ही यम्मी लग हुई थी। और नेक्स्ट जो रेसिपी मैं अभी बना रही हूँ आप देखते जाइए, अभी मैं दाल बना रही हूँ। तो मूंग और मसूर की दाल को ना मैंने एज़ यूजुअल जैसे मैं भिगो के रखती हूँ वैसे भिगो के रख दिया था, और इसमें थोड़ा सा ही गाजर मैंने कट करके ना फ्राई करके, मतलब पहले तो मैंने गाजर को फ्राई करके निकाल लिया था, और उसके बाद फिर मैंने जो है ना मूंग और मसूर की दाल को दे दिया था कढ़ाई में। तो कढ़ाई में ही मैंने उसको पकाया है, तो जैसे ही वो पक गई उसको सेपरेट मैंने निकाल के रख दिया है। हाँ, उसमें ऑब्वियसली नमक और हल्दी के साथ ही मैंने दाल को बनाया है। तो अभी मैं दाल का तड़का लगा रही हूँ नॉर्मल, जैसे मैं बनाती हूँ ना जीरा और सूखी लाल मिर्च, बस यही डालती हूँ तड़के में। हरी मिर्च मैंने नहीं डाला है क्योंकि सूखी लाल मिर्च मैंने डाल दी हुई है, और धनिया का पत्ता जो कि दाल में मुझे बहुत ही पसंद आती है, तो इस तरह से मैंने डाल दिए हैं। अब इसको अच्छे से चला लेंगे, और बिल्कुल ये रोटी के साथ ना बहुत अच्छी लगती है इस तरह की गाढ़ी गाढ़ी दाल। तो राइस के लिए तो इतनी गाढ़ी दाल की ज़रूरत नहीं होती, थोड़ी सी पतली होने से भी हो जाती है, लेकिन रोटी वगैरह के साथ ना इतनी गाढ़ी दाल ही अच्छी लगती है खाने में।
तो मूंग की दाल थोड़ा सा मैंने कम लिया था, मसूर की दाल थोड़ा सा ज़्यादा लिया था मैंने, और कोई दाल इसमें नहीं ऐड की है। और देख सकते हो आप, देखने में भी बहुत ही अच्छी लग रही है और खाने में भी बहुत ही टेस्टी हुई थी। और हाँ फ्रेंड्स, एक चीज़ मैं बोलना भूल गई, मैंने जब सरसों तेल में गाजर को फ्राई किया था, उसी समय थोड़ा सा मैंने ऑनियन भी काट के उसको फ्राई किया था। उसके बाद मैंने दाल को कढ़ाई में डाल के उसको जो है बॉईल किया था, तो वो मैं शूट नहीं कर पाई क्योंकि मुझे और भी दूसरे काम देखने थे, तो इसी वजह से मुझे टाइम नहीं मिला था। तो ये देखिए दाल बन के हो गई है तैयार, और ये खाने के लिए बिल्कुल है रेडी। तो इसी स्टेज में ना आप थोड़ा सा टेस्ट करके भी देख सकते हो। तो नमक में, सॉरी, दाल में नमक बिल्कुल एग्जैक्ट थी, तो ऐड करने की ज़रूरत है नहीं। बस इसको अभी मैं ट्रांसफ़र कर लूँगी। और नेक्स्ट, एज़ यूजुअल, जैसे सबको पता है, मेरे पुराने सब्सक्राइबर, भिंडी तो मुझे बनानी होती है, चाहे जितनी भी रेसिपी बना लो भिंडी फ्राई तो मुझे करनी होती है थोड़ी सी भी, क्योंकि बेटा तो सिर्फ मेरा भिंडी खाता है, अभी और कोई सब्ज़ी खाता नहीं। तो आई होप कि वो बहुत जल्दी से ही सारी सब्जियां खाने सीख जाए, तो उसके लिए एक्स्ट्रा जो है मुझे मेहनत ना करना पड़े। तो ये देखिए अभी उसी के लिए मैं, ये दो टाइम के लिए मैं एक ही बार बना के रख देती हूँ, तो रात को भी उसको अगर भिंडी रोटी खानी होती तो वो खा लेता है। तो इस तरह से जो है आज की ये लंच की रेसिपी मेरी इसी रेसिपी के साथ कंप्लीट होती है। तो ये देखिए अभी ढक ढक के मैं इसको पका रही हूँ, और बेटा मेरा इन बिटवीन आ गया है किचन में, तो उसको भी मुझे मेरे काम में हेल्प करनी थी, उसे भी वेजिटेबल वगैरह जो है ना वॉश करने थे, उसको तो बस बहाने चाहिए पानी में, किस तरह से मैं हाथ ज़्यादा देर तक डाल के रखूँ, बस उसको इसी में मज़ा आता है। तो मैं तो मतलब उसको बचा के रखती हूँ पानी वगैरह में, ज़्यादा उसको देर नहीं छोड़ती हूँ, लेकिन वो पीठ पीछे क्या करता है वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ जब तक वो मेरे सामने रहता है मैं हमेशा उसके ऊपर नज़र रखती रहती हूँ, नहीं तो बच्चों को ना बहुत ज़्यादा ठंड लग जाती है बहुत ही जल्दी। तो इस तरह से जो है ना आपसे बात करती करती भिंडी भी हो गई मेरी फ्राई। तो लंच की रेसिपी हुई कम्प्लीट मेरी, और बेटा बहुत ही ज़्यादा जिद कर रहा था, लंच वगैरह हो गया था, मैं बिल्कुल भी रेस्ट नहीं लिया, मैंने बोल रहा था मम्मा छत पर चलो, तो ये देखिए उसका, उसकी एक्टिविटी ऐसी होती है, मतलब उसको यही सब चीज़ करना होता है। ये देखिए अभी चिकन बना रहा हूँ, उनको बोल रहा हूँ मम्मा ये रोटी का चिकन है, ये मैं रोटी का चिकन बना रहा हूँ, देख के मुझे मतलब सुन के भी हंसी आती है बच्चों की ऐसी ऐसी बातें, तो जो भी हो मज़ा आता है, मतलब दिल खुश हो जाता है ना, ऐसी ऐसी एक्टिविटी हम लोग भी किया करते थे बचपन में, लेकिन तीन लोगों को देख के ना मतलब वो दिन याद आ जाता है। तो मैंने भी सोचा कि चलो ठीक है तुम्हें खेलना है तो चलते हैं, तो 5-10 मिनट का ही थोड़ा सा नैप लिया था मैंने, और फिर मैं गई छत पे, और 3-3:30 बजे के करीब मैं छत से आई। उसके बाद थोड़ा सा शाम के टाइम में रेडी होकर हम लोग गए थे मॉल, किचन।
ये देखिए, ये है छोटी सी स्प्रे बॉटल जो कि मैं यूज़ करूँगी, तो आपको ज़रूर से फीडबैक दूँगी। मुझे देखने में बहुत ही क्यूट लगी और मुझे लगता है ये बहुत काम की चीज़ है, तो आप लोग भी कमेंट करके मुझे बताइएगा किन किन कामों में मैं कैसे कैसे यूज़ कर सकती हूँ, और मैं भी जब यूज़ करूँगी तो ज़रूर से शेयर करूँगी। इस तरह से देखिए इसको स्प्रे किया जाता है। और बच्चे के लिए एक वाटर बॉटल भी मैंने ले लिया था क्योंकि उसके पास थी नहीं स्कूल में, स्कूल वाली ये नहीं है, घर के लिए वाटर बॉटल मैंने ली है, स्कूल की तो नहीं, परचेस की थी कुछ दिन पहले। और ये शॉपिंग मॉल से ये देखे, ये जो है ना, ये इनर, उसका दो इनर मैंने लिया है ऊपर का, दोनों डिफरेंट कलर में, एक रेड में और एक ब्लैक में। आप लोगों को कैसी लग रही है बताइएगा। तो ये बहुत ही, ये जो कपड़ा है कॉटन का है, विंटर के लिए ये ठीक है, मतलब इसको तो हम इनर में डाल लेंगे और ऊपर से कुछ और शर्ट वगैरह स्वेटर वगैरह कुछ भी पहने। और ये देखिए ये पैंट मुझे बहुत ही पसंद आई, ऐसी वाली थी नहीं मेरे बेटे के पास, तो मुझे इस तरह की पैंट्स वगैरह बहुत पसंद आती है, बहुत ही स्टाइलिश लगती है। आप लोगों को कैसी लगी ये बताइएगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। इसका कलर मुझे बहुत ही अच्छा लगा इसलिए मैंने परचेस कर लिया तुरंत। एक छोटा सा टॉवल लिया है मैंने और बस इतना ही मैंने शॉपिंग किया है फ्रेंड्स। तो आज का ब्लॉग मैं रखती हूँ यहीं तक, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में बहुत ही जल्द। तब तक के लिए आप और अपनी फैमिली का खूब अच्छे से ध्यान रखना, मेरा ब्लॉग यूं ही कंटिन्यू देखते रहना। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल, टाटा।